हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। आई एम जितेंद्र, आपको अपने चैनल ड्रीम अचीवर में स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे लिए इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर होल लाइफ। दैट मीन्स इफ यू नो इंग्लिश वेरी वेल, दैट यू कैन सक्सेस एनीवेयर। दोस्तों, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और मेरा कहने का मतलब यह है, यदि आपको अंग्रेज़ी आती है तो आप हर जगह पर सफल हैं, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो कहीं पर सफल नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हूँ, जिसमें आज मैं सीखूँगा कि ट्रांसलेट कैसे होता है। यदि आपको जीरो से भी ट्रांसलेट नहीं आता है या आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है, तो हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन, और हम इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हैं और इंग्लिश का अर्थ कैसे बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए मुझे कुछ रूल्स की ज़रूरत होगी। आइए सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसलेट क्या होता है हिंदी से इंग्लिश में। लोग कहते हैं सर ट्रांसलेट कभी उल्टा होता है, फिर कहते हैं सर ट्रांसलेट उल्टा से सीधा चलता है। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा। सबसे पहले आपको पहचान करनी होगी कि हमें ट्रांसलेट कैसे करना चाहिए। आइए हम फिर स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करने के तरीके। तो उसमें सबसे पहले आपको जो हिंदी में लिखे सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले आपको वो हिंदी में लिखे सेंटेंसेस को पहचान करनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है। सबसे ज़्यादा बच्चों के माइंड में यही कन्फ्यूजन पैदा होता है कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। आइए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं टेंस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं टेंस, इसकी हिंदी होती है काल। टेंस मीन्स काल। अब देखना, जो टेंस होता है वो किसी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स काल समय को रिप्रेजेंट करता है, और जो टाइम होता है वो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एट मीन्स एक्शन जो होता है, एक्शन मीन्स एक्शन या वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपको वर्ब होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले मुझे यही चीज़ पहचान करनी है, टेंस इज टाइम, टाइम इज एक्शन और वर्ब और एंड इज वर्क। यानी कि टाइम जो होता है, टेंस को काल कहते हैं, काल मीन समय, और समय जो होता है वो दोनों का मतलब क्रिया होता है, और क्रिया किसे रिप्रेजेंट करती है, काल को, क्रिया कार्य को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले आपको ये देखना है आपका जो कार्य है वो प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में हो रहा है, तब आप उसका ट्रांसलेशन बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। हम इसी कार्य को तीन भागों में बांट दिए हैं, जो हमने कार्य को बीते हुए समय में कर चुका है, और जो वर्तमान समय में करता हूं, और या भविष्य में करूंगा, इन सभी चीज़ों को बांटा गया है। और एक बार बता देता हूं कि आपके जो वर्क होते हैं दो ही आप करते हैं, तीसरा इन फ्यूचर ओनली रिप्रेजेंट करता है, एंड फ्यूचर के सभी टेंसेज जो होते हैं वो सीधा सीधा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए सबसे पहले हम इनको समझते हैं, जो हमारे काल हैं, टेंस है, अर्थात टेंस मीन्स काल। काल को तीन भागों में बांटा गया है सिंपल तरीके से, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, हम ये समझेंगे प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट टेंस आप कह सकते हैं, तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, टेंस मीन्स काल, इसे हम कह सकते हैं वर्तमान काल। और नेक्स्ट पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब भी देखिए, पास्ट मतलब गुजरना होता है, जो चीज़ें गुजर गई हैं हम उसे पास्ट सेकंड फॉर्म में ला देते हैं। पास्ट इनका मतलब गुजरी हुई चीज़ें जो भूत बन जाती हैं उसे कहते हैं भूतकाल। एंड फ्यूचर, फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल, इसको कहते हैं भविष्य। इसमें याद रखना है, भविष्य काल में आपको भविष्य की बातें दर्शाई जाती हैं। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की अगर हमें हिंदी पहचाननी होगी, अंत में है हू हो शब्द आता है, है हूँ हो एंड हैं, ये शब्द आते हैं प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए आपके आते हैं था होगा थी या थे, और यहीं पर या तो आ ई ए, ये आपके आते हैं। अब इनमें कोई मंत्र जुड़ करके इस प्रकार से बनाए जाते हैं। आगे हम फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल की बात करते हैं। तो अगर हमें किसी बात को भविष्य में करना होगा, उसके अंत में गा गी गे लगाएंगे, तब वो जाकर भविष्य में होगी, नहीं तो वो वर्तमान या भूतकाल में प्रदर्शित करने लगेगी। कहने का मतलब, अगर मुझे किसी कार्य को भविष्य में करने का दर्शाना होगा, तो उसके अंत में मुझे गा गी गे से लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं, जैसे इसके अंत में गा
गी और गे। तो दोस्तों यहाँ से हम आप आसानी तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस प्रेजेंट टेंस का हो, कौन सा टेंस प्रेजेंट टेंस का है और कौन सा पास्ट का एंड कौन और कौन सा फ्यूचर का है। यहाँ से हम इन बातों को पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस या कौन सा वाक्य किस टेंस का है। सबसे पहला नंबर, अगर जिस वाक्य के अंत में है, हु, हो और हैं आएगा तो वहाँ से आपका पता चलेगा कि ये वर्तमान काल का अर्थात प्रेजेंट टेंस का है, और जो जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आएगा उससे हम यह पहचान करेंगे कि वह काल, वह सेंटेंस भूतकाल का यानी कि पास्ट टेंस का है। आगे फ्यूचर टेंस, देखिए अब यहाँ पर जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है वहाँ से हम पहचान करेंगे कि यह टेंस भविष्यकाल का है, यह सेंटेंस भविष्यकाल का है। यहाँ तक पहचाना गई ना। अब देखिए सबसे पहले मुझे सिंपल सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना आना चाहिए। जब तक मुझे सिंपल सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना नहीं आता है तब तक हम कोई भी बड़े से बड़ा ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। आपको छोटा ट्रांसलेट सीखना है, यदि छोटा ट्रांसलेट सीख गए तो बड़ा ट्रांसलेट भी वो अपने आप आपको आ जाता है, क्योंकि छोटे छोटे क्लाज मिलकर के बड़े सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो आइए सबसे पहले, यहाँ तक आई होप आपको पता चल गया होगा, सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं कि यह किसका क्या यहाँ पर क्या कैसे यूज होगा। जैसे कि हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मोहन एक ईमानदार छात्र है, हमने यहाँ पर ले लिया मोहन एक ईमानदार छात्र है और यहाँ पर अंत में आया है, तो ये प्रदर्शित किया प्रेजेंट टेंस को। अगर यहीं पर एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, देखिए मोहन एक ईमानदार छात्र था, अगर यहाँ पर हम लिख दिए कि मोहन एक ईमानदार छात्र था तो यह हमारा पास्ट को प्रदर्शित करेगा। अगर यहीं पर और लिख रहे हैं कि मोहन एक ईमानदार छात्र होगा, अब यहाँ से ये सेंटेंस गा गी गे से आया, इसका मतलब यह सेंटेंस फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना होता है, यदि मुझे इन सब बातें का पता चल जाता है तो मुझे ट्रांसलेट बहुत आसानी से आ जाता है। तो आइए हम देर ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। और उससे भी पहले आपको जानकारी लेना है तो आपको ये देखना पड़ेगा, जितने भी हम टेंस को पढ़ेंगे वो टेंस इन किसी न किसी के पार्ट होंगे, जो हमारा कार्य होता है वो चार प्रकार से होता है। एक तो इंडेफिनिट होता है, एक तो कंटिन्यू को इम्परफेक्ट भी कहते हैं, और तीसरा परफेक्ट होता है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यू होता है। अर्थात आइए हम समझते हैं, समझना, प्रत्येक टेंस को देखिए, प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है। आप ऐसे लिखेंगे, देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ एवरी टेंसेस, अर्थात प्रत्येक काल को चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड इज कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को आपको इम्परफेक्ट भी कहते हैं, एंड थर्ड इज परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये आपको अच्छे और स्पष्ट हो रहे होंगे, तो समझना, इंडेफिनिट को कहते हैं अनिश्चित, कंटिन्यू या इम्परफेक्ट को कहते हैं अपूर्ण, और परफेक्ट को कहते हैं पूर्ण, और परफेक्ट कंटिन्यू को पूर्ण अपूर्ण टेंस। अर्थात इस प्रकार के हम चार वर्ग करते हैं, हम अपने लाइफ में केवल चार ही वर्ग करते हैं। एक तो ऐसा वर्ग होता है जो हम करते हैं लेकिन वो अनिश्चित रहता है, एंड दूसरा वर्क जो होता है उसको हम जो करते हैं और वह वर्क कंटिन्यू रहता है, ना ही शुरू ना ही समाप्त रहता है, और जो तीसरा होता है, तीसरे में क्या होता है, इसमें हम कार्य को परफेक्ट कर चुके होते हैं
चौथा जो होता है एंड फोर्थ इज वो परफेक्ट भी कंटिन्यू रहता है। परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब यह होता है वो किसी डेफिनेट टाइम से या इनडेफिनेट टाइम से किसी टाइम के साथ स्टार्ट रहता है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात इस प्रकार से अभी मैंने बताया था कि देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ एवरी टेंसेस, अर्थात प्रत्येक काल के चार चार भेद होते हैं। कितने? प्रत्येक काल के चार चार भेद होते हैं। तो जो ये लिखा हूँ चारों, ये प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के भी हैं। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फोर इसके हो गए। अब अगर हम पढ़ते हैं इसका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से आपके चार इसके हो गए। अगला देखते हैं फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हम इसका पढ़ेंगे कितना? चार। तो ये हो गए कितने? चार। तो आइए हम टोटल, अगर टोटल मुझे रीड करना होगा तो टोटल करेंगे 4 4 8 3 12, यानी कि कुल मिलाकर के पार्ट सहित लेंगे तो कुल 12 प्रकार के टेंस के पार्ट पढ़ने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना? इतने अब प्रश्न ये भी उठता है, क्या सर हम इसे पूरा पढ़ लेंगे, क्या मुझे ऑल ओवर ट्रांसलेट पता चल जाएगा? हाँ, एक तरीका पता चल जाएगा, लेकिन कुछ में सेंटेंसेस थोड़ा डिफरेंट रहते हैं, लेकिन इस रूल के सिवाय और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तक मैं इतना भी कहता हूँ, मैं एक रूल बताऊँगा, एक रूल से तुम्हारे पूरे ट्रांसलेट होंगे, किसी भी टेंस का, किसी भी पार्ट का होगा। केवल एक रूल याद रखना है बस, वो मैं आपके सामने भी लाने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। पॉज द वीडियो, आइए देखते हैं हम आपको। सबसे पहले आप हेडिंग लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी पहली हेडिंग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये पार्ट आपका लंबा हो सकता है, मुझे आशा है यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको इसी क्लास से ही ट्रांसलेट बिल्कुल हवा हो जाएगी, हवा इन्फ्लुएंट बोलने लगेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले इसमें मुझे इसकी पहचान समझनी है, पहचान मींस सॉरी परिभाषा, परिभाषा मींस रिकॉग्नाइज, डेफिनेशन, डेफिनेशन मींस होता है परिभाषा। देखिए परिभाषा का मतलब यह होता है उस शब्द के परे जो भी भाषाएं बोलेंगे वो उसकी परिभाषा होती है। तो ठीक इसी के हिसाब से मैं इसके परे एक वर्ड ले, सेंटेंस ले रहा हूं जो इसकी परिभाषा हो जाएगी। कर्ता द्वारा वर्तमान समय में अनिश्चित कार्य किया जाता है, आप लोग लगा के हेडिंग लिखेंगे, लगाएंगे डेफिनेशन मतलब परिभाषा। कर्ता द्वारा वर्तमान समय में अनिश्चित कार्य किया जाता है, कहने का मतलब वर्तमान समय होगा और कार्य भी अनिश्चित होगा। अनिश्चित का मतलब वो टाइम अनिश्चित होगा, वो एक्शन अनिश्चित होगा, कि वह इंडेफिनिट होगा, कि वह कब किया जाता है कब नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि वह ताहती है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है, आइए देखते हैं, सबसे बड़ी बात इसमें होती है रिकॉग्नाइज मतलब पहचान, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान, पहचान। हमें किसी सेंटेंस को पहचानना होता है तब जाकर के ट्रांसलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहचान के बारे में। तो देख रहे हैं रिकॉग्नाइज पहचान, आप हेडिंग लगा के मेरे साथ लिखते रहना। देखिए यदि आप मेरे साथ एक महीना कंटिन्यू हो गए, आपकी जुबान पर इन्फ्लुएंट इंग्लिश स्पीच होगी, ये मेरा वादा है, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, सामने लिखा गया है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, अर्थात मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आता है, तो उसका ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्नाइज मतलब पहचान, हिंदी सेंटेंस लिखा है उसे सबसे पहले मुझे पहचान करनी है। पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आता है, तो उसका ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर रूल देखिएगा, जो रूल होता है रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया की पहली अवस्था वर्ब। अब यहाँ पर देखेंगे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, कंडीशन समझना है,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाता है। और एक बात याद रखना है, अगर अंत में वाई होगा तो देखिए, अगर वर्ब के अंत में वाई होगा तो इन प्लेस ऑफ आई ई एस हो जाएगा, और वाई रिमूव यानी हट कब जाएगा, जब वाई से पहले कोई व्यंजन होगा यानी कॉन्सोनेंट होगा, मैं आगे उसको बताऊंगा भी। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, आपका यह रूल रहा, अगर आपको यह रूल पता है तो किसी भी टेंस का ट्रांसलेट बस आप एकदम आसानी तरीके से कर सकेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको यह रूल याद करना है, और रूल याद नहीं करना बल्कि इसको समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और अदर वर्ड क्या होता है। सबसे बात जरूरी ये होती है। तो समझना, हमें एक सेंटेंस, पहले हम दो सेंटेंस तीन सेंटेंस को लेते हैं, पहले जनरली तौर पे समझते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है, पहले हम उसकी पहचान करते हैं। देखिए, लिखिए, किसान अपने खेत की फसल काटता है। दूसरा है पानी सफेद होता है। अगला है तोता पका आम खाता है, पका आम खाता है, तोता पका आम खाता है। नेक्स्ट है गाय एक सीधी जानवर होती है। ओके, सबसे पहले तो मुझे इसमें यह पहचान करनी है कि यह टेंस, यह सेंटेंस चारों किस टेंस के हैं। हमने सब में है देखा, सभी तो बराबर हो गए। फिर हमने देखा किसान अपने खेत की फसल काटता है। मुझे किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट करना होता है तो सबसे पहले मुझे उसको याद, उसको समझना है या किस टेंस का है, जानना जरूरी है। और किसी भी टेंस को जानने के लिए उसके अंत में जाना पड़ता है। एक एग्जांपल बताऊं क्या, देखना समझना, पहले ध्यान से आप लोग भी देखिए। जिस प्रकार से आपको किसी आदमी के बारे में पहचान करनी होती है, आदमी है कौन, कैसा है, तो उसके आप पीछे पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको यह सेंटेंस पहचानना है, इसके पीछे जाएंगे, अंत में जाएंगे। अंत में ता है आ गया, अंत में ता है आ गया। अब यहाँ पर क्या एक वर्ब है, हमने पहचान बताई है कि ता है, ती है, ते हैं, और कैसा, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया एक कोई मेन वर्ब होना चाहिए। क्रिया का मतलब कार्य होता है, एक बार समझ लीजिएगा, क्रिया का मतलब कार्य होता है। क्रिया का मतलब कार्य, जो आप करते हैं उसमें मेहनत होती है, गति होती है, उसे वर्ब कहते हैं, यानी यही वर्ब है। ओके, आगे हम यहीं से उसकी पहचान करते हैं कि यह वर्ब है। तो काटना या फसल काटते हैं तो काम तो है ही। ओके, काटता ता है और वर्ब भी है काट, काट में ता जुड़ गया तो पहचान जुड़ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सच में ये वर्ब है। ओके, अच्छा हम पहले सेंटेंस को पहचान कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट, पानी सफ़ेद होता है, क्या होता, यहाँ पर ता है, क्या हो में कोई वर्ब है सफ़ेद होना, कोई कार्य है, होता कोई कार्य है, नहीं कोई कारण नहीं है। जब तक इसमें कार्य या एक्शन का नाम न दिया हो तब तक यह सेंटेंस टेंस में यानी टेंस के पार्ट के अंतर्गत नहीं आ सकता है। टेंस तो है प्रेजेंट का, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हमने बता रखा है मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं। क्या यहाँ पर कोई क्रिया है, क्रिया का मतलब इस सेंटेंस में कोई कार्य है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं है। इस टेंस को जो होता है होती है इसमें देख रहे हैं ना, सीधा होना कोई कार्य है, कोई नहीं, ये तो एक एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है ना, तो ये भी टेंस नहीं है। हालांकि आप समझ गए होंगे, तो मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ, ये दोनों टेंस यानी टेंस तो हैं
लेकिन टेंस के पार्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। मेन प्रॉब्लम होती है मुझे यही जगह समझने की, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि ये दोनों नहीं हैं? क्या ये है? पता नहीं। तोता पका आम खाता है, क्या खाना या चबाना कोई काम है? अच्छा, चबाने में कोई मेहनत लगती है, गति होती है, गति होती है, मेहनत लगती है। तो ये बना वर्ब, क्या वर्ब बना, अर्थात यह क्रिया है, कार्य है, खा, ये वर्ब है, अंत में ता आ गया, भाई बात सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आइए हम इन दोनों को रिमूव करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये है, सिंपल होगा, पानी सफ़ेद होता है, वाटर इज, सॉरी, पानी साफ, क्या लिखा था, सफ़ेद की साफ, पानी सफ़ेद होता है, तो जो कुछ भी लिखा था, वाटर इज वाइट, हालांकि पानी नीला होता है, सफ़ेद नहीं होता है, मैं ट्रांसलेट लिख दिया था। देखो यहाँ पर किसी भी ट्रांसलेट को रियल मत समझ लेना, ठीक है ना, कि यह रियल में होती हैं, केवल आपको मैं हिंदी से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, यानी हिंदी इंटू इंग्लिश, आई लर्न यू ऑलवेज हिंदी इंटू इंग्लिश, बट द थिंग्स इज दैट आई टेक्स एट द बोर्ड, इट इज़ नॉट रियलिटी। कहने मतलब कि जो सेंटेंस, जो आर्टिकल या जो वस्तुएं मैंने बोर्ड पे लिया है ट्रांसलेट बनाने के लिए, वो आपको सही नहीं हो सकती, मतलब वो सत्य नहीं हो सकती, लेकिन ट्रांसलेट उसका सही रहेगा, इस बात को ध्यान देना है। आइए फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसान अपने खेत की फसल काटता है, सबसे पहले तुम्हें काम को देखना है। इसमें काम क्या है दोस्तों? काटता, ये वर्ब बना, ये क्या बना है? अब देखो, तुम्हें ये रूल लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ध्यान समझना, कार्य करने वाले व्यक्ति को, कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वही करता यानी सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये काटता, अगर तुम्हें सब्जेक्ट, देखो वर्ब सदैव अंत में रहता है, लेकिन यह कन्फर्म नहीं है कि सब्जेक्ट पहले ही रहता है। वर्ब ये आपका क्या है? वर्ब, वर्ब से पहले तुम लगाओ कौन, वर्ब से पहले तुम्हें कौन जोड़ने से या कौन लगाने से पता चल जाता है कि इसका सब्जेक्ट का। कौन काटता है, आंसर पूरा वाक्य पढ़ो, कौन काटता है, आंसर क्या निकलेगा? किसान। तो किसान बना यहां पर सब्जेक्ट, कार्य करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है ना। अगला, ये तो हो गया, अब तुम्हें सब्जेक्ट पता हो गया, वर्ब पता हो गया, ओके, नेक्स्ट। फिर अगर बात करता हूं कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्म, याद रखना, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं इस कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है। ये तो कोई चीज़ तैयार होगी या समाप्त होगी, दो ही चीज़ होंगे, समाप्त होगा या तैयार होगा या किसी में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ तीन शब्द लगाने से आपको समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नोट में अगर चाहो तो लिख लीजिए, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए या किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए वर्ब से पहले क्या किसे किसको लगाया जाता है, किसी भी वर्ब को ज्ञात करने के लिए क्या किसे किसको लगाया जाता है, ठीक है ना। आइए, क्या काटता है, फसल, अपने खेत की फसल, की लगा, ये कंजक्शन के रूप में होता है, ये की लग गया तो इसलिए अपने खेत की फसल करता है, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। आइए हम रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका, लिखा है द फार्मर, हम लिखेंगे द फार्मर, ओके। वर्ब क्या है, काटता है, सी यू टी, कट मतलब काटना, रूल जरूरी है। फिर उसमें यस या ई एस, और एक बताया हूँ मैंने, वाई के स्थान पर आई ई एस, वाई तो नहीं है अंत में तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं, अच्छा ये कंडीशन किसके लिए फॉलो हुई है, इफ़ सब्जेक्ट इज ए सिंगुलर नंबर इन द सेंटेंस, यदि वाक्य में करता एक बचन हो, किसान काटता है ना तो एक बचन है, अगर ये होता किसान अपने खेत की फसल काटते हैं तब बहुवचन हो जाता। आपकी ये जो कंडीशन अप्लाई हो रही है ये एक वचन के लिए है, एक वचन के लिए है ये। आइए, एक वचन है तो यस लगा देंगे। बात आती है सर, यस कहाँ लगाएंगे, जिस वर्ब के अंत में यस हो और
डबल एस हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो या ओ हो, तब आप क्या लगाएंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे, वरना यस का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आइए, वर्ब ये है, वर्ब भी हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने खेत की फसल। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने खेत की फसल ऑब्जेक्ट है ना ये। अब देखो, आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं क्या? अपने, एक वचन है हिज फील्ड। अब की के लिए पस्टॉफी यस का प्रयोग, फील्ड से क्रॉप। आइए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए पूर्ण विराम के स्थान पर। देखो, अपने खेत की फसल के लिए दो होता है, इसका दो तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, यहीं पर देख लीजिए, अब हिज फील्ड से क्रॉप लिखो, नहीं तो आप जानते हैं ना ऑफ का मतलब काकी के होता है। क्या? काकी के, पड़ोसी वाली काकी के नहीं, ठीक है ना, जो काकी के होता है तो ऑफ होता है। जब ऑफ का, देख, जब इसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे तब क्या होगा? ये इधर चलाएगा द क्रॉप, ओके। ऑफ इसके लिए हिज फील्ड इधर आ जाएगा, हिज फील्ड। क्या यहाँ तक ये बात समझ आई? ये ऑब्जेक्ट को आप चाहे इस तरीके से लिख सकते हो या इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर समझ में आ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट, तोता पका आम खाता है। अंत में ये भी आएगा कि आपका वर्ब क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है? खाता है। अब सब्जेक्ट ज्ञात करना है रूल में, इससे पहले क्या लगाओगे जल्दी बताओ? कौन, कौन खाता है, यानी खाने का काम कौन करता है? तोता हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया। आइए ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खाता है? पका आम। पक्का नहीं भाई, पका आम, ऐसे करोगे पक्का कच्चा। नेक्स्ट, किसे खाता है? नहीं दिया। किसको खाता है? नहीं दिया, यानी हो तो गया ना पूरा। आइए द पैरोट, क्या लिखेंगे? पी ए डबल आर ओ टी, द पैरोट। ईट मतलब खाता है, एक बच्चे ने तोता ईट से लगा दीजिए। क्या खाता है? रा मैंगो। रा मतलब कच्चा होता ना, और राइप मतलब पका होता है ना, राइप मैंगो, ओके। यहाँ तक समझ आया? अब ये तो छोटे छोटे ट्रांसलेट थे, चलो मैं आपको दो दे रहा हूँ, आप पहले करके दिखाइए, फिर उसके बाद मैं आगे और बढ़ता हूँ, थोड़ा बड़े ट्रांसलेट लेता हूँ, फिर निगेटिव की ओर चलने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग कहते हैं ना वीडियो दौड़ा दौड़ा के देखूँ, तो याद रखना बच्चों, समझ में नहीं आएगा। बाद में मत कहना सर आपने शुरू से तो स्टार्ट किया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो आराम आराम से करिए, एक एक चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक से करिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं ये वादा करता हूँ कि तुम्हें एक महीने में इंग्लिश आ जाएगी, शायद ऐसा जल्दी प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, लिखिए अगला, बोलो। मोहन आपको एक कहानी सुनाता है, आप लोग भी लिखिए। मोहन आपको एक कहानी सुनाता है, अगला है, दूसरा लिखिए। हम लोग सुबह में, हम लोग सुबह में सड़क पर टहलने जाते हैं। ये दोनों ट्रांसलेट आप करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आइए देखते हैं, आप लोग ट्रांसलेट कर लिए होंगे। मोहन आपको एक कहानी सुनाता है। जैसे हमने देखा ये ता है, क्या ये वर्ब है? यस ये वर्ब है। आगे कौन सुनाता है, इससे पहले कौन लगाओगे तुम्हें किसका पता चलेगा? सब्जेक्ट का। कौन सुनाता है? सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ज्ञात करो, क्या सुनाता है? एक कहानी सुनाता है। क्या सुनाता है? एक कहानी सुनाता है। फिर तीन शब्द बोले थे ना, क्या किसे किसको, क्या सुनाता है एक कहानी, किसे सुनाता है, इसी वर्ब से पहले लगाना है तुम्हें, किसे सुनाता है?
आपको ये भी ऑब्जेक्ट किसको सुनाता है, आपको। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, कितने, दो दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो इसका ट्रांसलेट कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो होते हैं, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ या कहाँ पर मैं आपको समझाऊँ, आइए इधर समझाता हूँ, यहाँ पर ओके, ये प्लेस है, इसको रख कर देता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, एक डायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट में आप लिखेंगे पहले समबडी लिखेंगे फिर लिखेंगे समथिंग। अब बात यह आती है कि समबडी क्या समथिंग आता है, पहले समझ लो। अगर तो आप इनडायरेक्ट तरीके से लिखना चाहते हो उसमें यही समथिंग पहले आ जाएगा, फिर ये बीच में टू लगाओगे तब जाकर के समबडी आ जाएगा। आइए समझते हैं इस ऑब्जेक्ट में समथिंग क्या है समबडी क्या है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो निर्जीव चीज होती है वो आपकी समथिंग कहलाती है, ऑब्जेक्ट दो है। और जो जीवित वस्तु यानी कि मनुष्य जो लिविंग क्रिएचर होता है, लिविंग क्रिएचर इज कॉल्ड समबडी। लिविंग क्रिएचर मतलब जीवित प्राणी जो होगा वो समबडी कहलाता है। इसमें जीवित प्राणी क्या है, आइए ऑब्जेक्ट दो है, एक तो आपको है और दूसरा एक कहानी है। अब बताइए इसमें निर्जीव कौन सी चीज है, सजीव कौन सी चीज है। आपको सजीव है, तो सजीव है मतलब समबडी, निर्जीव का मतलब समथिंग, निर्जीव का मतलब समथिंग, सजीव का मतलब समबडी, ओके। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, आप लिखेंगे मोहन, फिर उसके बाद रोल देख रहे हैं, वर्ब क्या है, सुनाता, टेल मतलब सुनाना, एक बच्चन है यस लग जाएगा। अब उसके बाद क्या सुनाता है, देखिए आप चाहे तो पहले मैं ये समबडी का यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट दोनों हैं, पहले यू लिख रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ आई स्टोरी, ओके। यदि आप चाहते हो मैं इसे देखिए, यदि आप चाहते हो तो वर्ब तक सेम रहेगा, वर्ब तक सेम रहेगा, मोहन टेल्स वर्ब सेम रहेगा। हमने ऑब्जेक्ट दो तरीके से बताए हैं, यदि आप समथिंग का यूज करना चाहते हैं तो आई स्टोरी पहले ला देंगे, आई स्टोरी, फिर उसके बाद देख रहे ना बीच में समथिंग बट टू लगा है, फिर समबडी है, समबडी यू है, तो यहाँ पर बीच में टू लगा के यू लेकर चले आओ, ओके। ये आपका रहा समथिंग टू समबडी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है और यह सेंटेंस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, दोनों कंडीशन सही हैं। क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया। नेक्स्ट, हम लोग सुबह में सड़क पर टहलने जाते हैं, आइए जा, गो मतलब जा, यहाँ पर ते है तो जाते हैं, ये आपका बन गया क्या वर्ब। इससे पहले लगाओ कौन जाते हैं, दूसरा देखिए ये रहा वर्ब, अब वर्ब से पहले लगा कौन, कौन जाते हैं हम लोग, तो ये बना सब्जेक्ट। फिर लगाओ ऑब्जेक्ट, याद करने के लिए तीन शब्द लगाए जाते हैं, एक बार याद रखो, रट लो जुबान पे एकदम, क्या किसे किसको, वर्ब से पहले तीन शब्द लगाए जाते हैं, क्या किसे किसको, क्या जाते हैं किसे जाते हैं किसको जाते हैं। कहने का मतलब कोई आंसर नहीं मिला, कोई आंसर, ये रहा इंट्रांजिटिव वर्ब, याद रखना जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो कैसा वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और एक जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो आपका कहलाता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो आपका ट्रांजिटिव कहलाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव, याद रखना ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ओके आइए। अच्छा ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, बात बराबर। अब टहलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो क्या टहलते हैं मतलब क्या जाते हैं टहलने, देखो ये एक वर्ब रहा, अब इस वर्ब के बाद आप दूसरा वर्ब ढूंढिए, याद रखना वर्ब भी दो होते हैं, डायरेक्ट वर्ब और इनडायरेक्ट वर्ब। तो डायरेक्ट जो वर्ब अंत वाला होता है ये वाला इनडायरेक्ट वर्ब होता है, इनडायरेक्ट वर्ब को हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। एक फैक्ट मैं यहाँ पर आपको और बता दे रहा हूँ, गो का मतलब क्या होता है, गो का मतलब जा, वाक मतलब टहल, रीड मतलब, रीड मतलब
पढ़, टीच मतलब पढ़ा, याद रखना। अगर इसमें हम टू गो लगाते हैं तो अंत में ना जुड़ता है, यहाँ पर टू लगाए तो यहाँ पर ना जुड़ा, यहाँ पर टू लगाए तो यहाँ पर ना जुड़ा, यहाँ पर टू लगाए तो यहाँ पर ना जुड़ा। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ये वर्ब बना इन्फिनिटिव का, ये वर्ब कैसा बना इन्फिनिटिव। तो इसमें देखो जाना नहीं लिखा है ना, अगर जाना लिखा तो हमने टू गो लगाते। आइए पहले ट्रांसलेट करते हैं, केवल जा लिखा है तो हम लोग क्या है इंग्लिश वी होगी। अब वर्ब क्या है जा, देखो इसमें यस या ईएस लगता लेकिन जब ये एक वचन होता तब, इसमें ईएस लगता लेकिन जब एक वचन होता तब, इसमें ये बहुवचन है इसलिए इसकी फंडा ही नहीं है। इसमें वर्ब नहीं है, याद रखना। अदर वर्ड तीन होते हैं, अदर वर्ड तीन होते हैं, कौन कौन से, मैनर, प्लेस और टाइम। इसमें देखो मैनर तो है नहीं, प्लेस टाइम, लेकिन हाँ सॉरी हमने बताया था ऑब्जेक्ट पहले, यहाँ पर टहलने, पहले गो के बाद टू वाक लगा दो, अब उसके बाद पहले मैनर लिखा जाएगा, मैनर नहीं तो प्लेस और टाइम तो है ना। इसमें प्लेस क्या है सड़क पर, टाइम क्या है सुबह में। अब देखो पहले इसको लिखो ऑन द रोड, फिर इन द मॉर्निंग, समझ में आया। ऑन द रोड इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। देखिए ये वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी जिसकी वजह से मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि बच्चे भी परेशान हो, मैं इसके बाद अगली वीडियो फिर ला रहा हूँ, जस्ट इसके बाद होगा। और इस वीडियो का भी लिंक अगली वीडियो में, अगली वीडियो का भी लिंक इस वीडियो में होगा। यदि क्लास आपको आज यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।